नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सामी। बिहार में चुनाव नजदीक है, ऐसे में जितने भी नेता हैं वो जी जान से और रात दिन एक करके तैयारियों में जुट गए हैं। चुनावी मौसम को देखते हुए नेता जाति धर्म बाहुबली और लोजपा नेता इन तमाम मुद्दों पर बात किया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो हमारे राज्य में विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे चाय में गिरी मक्खी की तरह दरकिनार कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा और चुनावी मौसम में शिक्षा को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम होता है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विष्णु स्वरूप, जो चर्चा करेंगे। चुनावी मौसम है तो वो बात कर रहे हैं जाति धर्म लोजपा भाजपा इन तमाम मुद्दों पर बात किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा शिक्षा जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों? देखिए, सही बात है, वोटरों को इतने बड़े छलावे में रखा जा रहा है, इतनी ज्यादा रैलियां की जा रही, इतने ज्यादा भटकाओ मुद्दे हैं जिसके पीछे शिक्षा कहीं दूर छूटता हुआ दिखता है। शिक्षा के प्रति वोटर कितने जागरूक हैं यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो समय था वह ऑनलाइन समय था और सभी के घर में बच्चे ऑनलाइन शिक्षा भी ले रहे थे, लेकिन इस शिक्षा के पीछे वो अभिभावक खुश नहीं थे। ताजुब की बात है कि वोटर जो जिनके लिए महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, ये सारी बातें छूट रही हैं। स्वास्थ्य ये भी छूट रहा है, लेकिन ताजुब है कि इस पर वोटरों का ध्यान क्यों नहीं जाता है, या कोई राजनेता सिर्फ वादे और हवाई हमले कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, पक्ष प्रतिपक्ष पर, प्रतिपक्ष पक्ष पर। तो क्या लगता है बिहार की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं जाति धर्म पर वोट कर रही है, उसके आधार पर वोट कर रही है, क्या लगता है? बिल्कुल सही है, जाति धर्म यही मुख्य आधार हो गया है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो राजनीतिक दलों का जो टिकट बंटवारे का स्टाइल है वो भी जातीय ही है। कहीं कहीं 27% 25% ये एक जाति के लोगों को टिकट बंटवारे की बात आ रही है साथ में, तो जाति है ही। और धर्म तो धर्म अभी नहीं होता है, धर्म जब वोटरों का वोट देने का समय नजदीक आता जाता है तो धर्म मुद्दा हो जाता है, जो होता ही रहा है आज तक। ऐसे में जाति और धर्म के बीच में पूरा वोटर, पूरा हमारा तंत्र, पूरा हमारे जो गार्जियन है, अभिभावक है, यह गुम हो गए हैं और शिक्षा पीछे छूट गया है। तो हमारे राज्य में जो युवा वोटर हैं वो शिक्षा के आधार पर वोट क्यों नहीं दे पाते हैं, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। देखिए, ये बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की जरूरत है यहाँ, क्योंकि चुनाव में शिक्षा का आधार वो कैसे कर सकते हैं जहाँ हमने जिनको चुना है, मेरा मतलब हमने विगत लोकसभा में जो चुन के सांसद भेजे हैं उसमें से तकरीबन 140 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कॉलेज का मुंह नहीं देखा। जब वो खुद कॉलेज का मुंह नहीं देख रहे हैं तो शिक्षा के बारे में क्या बात करेंगे। और दूसरा सवाल यह है कि ये हमारा आधार शिक्षा होना चाहिए, इसी आधार पे हम मतदान करें, ये तो बिल्कुल असंभव होगा, क्योंकि जिन्हें हम मत देकर भेजते हैं वही शिक्षित नहीं है, तो हम कैसे हो सकते हैं। लेकिन आप देखें कि सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रही है शिक्षा को लेकर, लेकिन गांव में अगर बात करें तो ये चीजें नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो स्मार्टफोन नहीं अपने बच्चों को मतलब की दे पाते हैं। देखिए, आप एक आंकड़ा देखिएगा तो 3 करोड़ लगभग एक पहले क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चे 3 करोड़ से ज्यादा की संख्या में हो जाते हैं। इन लोगों के ऊपर जो बजट का अमाउंट है, आपने ही बताया कि बजट का कुछ जो अमाउंट है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसमें मेंटेनेंस आता है, उसमें शिक्षक और प्रोफेसरों की सैलरी आती है, ये सारे आते हैं। अब जितनी राशि बची उसमें से एक बच्चे के ऊपर, मैं पहली से 12वीं क्लास के बच्चे की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर 2.37 रुपये प्रतिदिन का खर्च। अब आप यस देखिए कि आप बजट पर कितना खर्च कर रहे हैं, आपके हिस्से में क्या आ रहा है, और विकास का ढिंढोरा पीटने वाले लोग 2.37 रुपये में प्रतिदिन बच्चे को कितना शिक्षित कर सकते हैं। तो फिर सर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देने का क्या फायदा जब आप बच्चों के पास पहुंच ही नहीं पा रही है वो सुविधाएं, तो क्या फायदा सरकार इसके बारे में एक बार भी चर्चा नहीं कर पाती है, या फिर जो आंकड़े हैं वो देख नहीं पाते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इन्होंने दे दिया, स्मार्टफोन की सुविधा नहीं है,
अभी सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, मैंने खुद जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की और पूछा जो सरकारी स्कूलों के बच्चों को आप कैसे शिक्षित करते हैं, उन्हें ऑनलाइन कैसे पढ़ाई हो रही है, तो वो कहते नहीं एक ऐप है, और अगर ऐप नहीं है आपके घर में स्मार्टफोन नहीं है तो आप टीवी के सामने बच्चे को बिठाइए और फलना फलना चैनल है उसमें हमारी शिक्षा की पूरी है, सिलेबस है, जो क्लास के बच्चे हैं वो उसको देख सकते हैं। अब बच्चे मैंने उसे बेटर तरीके से समझ पाते हैं अगर ये बातें। हाँ, ये बात जो ऊपर बैठे हैं सरकारी महकमे के लोग हैं वो कितना समझ रहे हैं, वो भी नहीं समझ रहे हैं कि हम जो शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो शिक्षा उन बच्चों के लिए लाए हैं जिस प्लेटफॉर्म पर, उससे वो बच्चे उतने लाभान्वित नहीं हो रहे। और ये कमोबेश एक इशारा है कि शिक्षा पूरा का पूरा गर्त में जा रहा है, जिस पे किसी का ध्यान नहीं, न नेताओं का ध्यान है, न वोटरों का ध्यान है। तो अगर बात करें अगर आगामी वर्षों में इसका क्या परिणाम हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय में जहां ये बहस का मुद्दा है कि हम आर्थिक रूप से कितने कमजोर हो रहे हैं, शैक्षणिक रूप से कितने कमजोर रह रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में हम कितने पीछे जा रहे हैं, ये मुद्दा है, ये डिस्कशन के लिए अनिवार्य है या होनी चाहिए सभी प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि अगर मेरी अपनी राय अगर आपने है तो ये निगेटिव जा रहा है, क्योंकि हम पूरी तरह से शिक्षा को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, हम अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे। नारे हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे, बेटी शिक्षा अनिवार्य है, लेकिन हम शिक्षित नहीं कर पा रहे। तो सर आगामी वर्षों में इसका क्या परिणाम देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, दो बातें समाज में, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, दो ही तार्किक प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर आप शैक्षणिक व्यवस्था को अभी देख रहे हैं और सरकार की नई शिक्षा नीति के पहलू के तहत देखते हैं तो आपको लगेगा कि आने वाले समय में सुधार होगा, लेकिन मौजूदा स्थिति जो है इसमें कहीं से सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती है। क्योंकि हम लोग जिस बजट की बात करते हैं वो बजट पूरा नहीं है, बजट प्रतिदिन 2.37 रुपए का है और सुधार के लिए सब कुछ खुला हुआ है। सर 2020 और 21 वित्तीय वर्ष में जो हमारा बजट था वो 22 करोड़ के लगभग था शिक्षा के लिए, फिर भी हम 19वें स्थान पर हैं। देखिए, ये जो बजट है, बजट का पूरा वॉल्यूम है यह, और पूरा वॉल्यूम में शिक्षा पर जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं उस पे कितना खर्च हो है यह समझना होगा आपको। क्योंकि एक बजट में सैलरी होती है, मेंटेनेंस होता है, नए निर्माण होते हैं और जो पुराने निर्माण है वो भी उसी में शामिल है। का जो करोड़ का बजट है वो कम नहीं होता है सर, लेकिन वो तो पहुंच के एवरेज निकालने पर कोई 70-80 रुपए या 2.37 रुपए प्रतिदिन का है, और ग्रेजुएट अगर बच्चों की बात करेंगे तो 28 रुपए के लगभग चला जाता है। तो आपके हिस्से में सिर्फ इतनी ही आती है, तो कहने के लिए एक समग्र राशि बड़ी राशि दिखाई देती है, लेकिन जो बचता हुआ हिस्सा एक बच्चे के प्रति आता है वो बहुत छोटी राशि होती है। इसीलिए हम लोग ये उम्मीद कर लें कि इस राशि से हम बहुत बड़ा विकास कर लेंगे और हमारा शैक्षणिक स्तर सुधर जाएगा, कुछ ऐसा भी नहीं है। तो आपने सुना हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विष्णु स्वरूप सर बने हुए थे जो शिक्षा के मुद्दे पर ऐसी तमाम जानकारियां दी। तो हम फिर हाजिर होंगे दूसरे नए चर्चे के साथ, तब तक देखते रहिए नेशन न्यूज़। नमस्कार।